मैं हूँ अपनी कैरी वैन के अंदर। कैरी वैन नहीं होता, पूरा इंडिया करेंगे एक्सप्लोर। ऑल आउट ड्राइवर काट रहे पैर पे, कितना ड्रामे करती है यार। झूठ बोल रहे हो आप सबका खून है खट्टा। ऐसे नहीं बोलना। चाय तैयार है, पराठे भी तैयार कर ले। मेरा हाथ जल गया, उसे धक्के मार के भगा देती हूँ। खड़ी हो, यहाँ से गोलू का सफर हो रहा है खत्म। पाचली बन गए भैया हाथ से। क्या क्या माता रानी की जय। छोड़ दे पानी गिर जाएगा। कीरे वाली मैगी का वाह दीदी वाह, गलती हमने बहुत बड़ी कर दी। हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज गया है रात के 2:13, आप देख सकते हो, और मैं हूँ अपनी कैरी वैन के अंदर। कैरी वैन नहीं होता है, कैरा वैन होती है। आज गाइस मैंने इतनी इंग्लिश बोली ना चीकू के साथ, तो थोड़ी सी इंग्लिश मेरी खराब हो गई। तो भाई सच में भगवान की कसम बहुत मजा आ रहा है अंदर। और मतलब अगर बात की जाए ठंड की, मैं कहता हूँ रूम में ज्यादा ठंड होती है, यहाँ पे नॉर्मल है। हमारा एक बच्चा मिसिंग है। कौन? जिसने आपको जन्म दिया। अच्छा मम्मा। तो भैया अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। हम ना यहाँ पे अपना कैमरा सेट कर देते हैं सुबह तक, तो ना हम देखते हैं हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। बेटे पापा खराटे लेते हैं, कुछ नहीं करते। सूरज लेगा नीचे, सूरज बिल्कुल ले लूंगा। कैमरा देख लो, मैंने कहा नीचे कर दिया, ये निक्की और ये नीचे सो रहे हैं। तो भाई लक्ष्य सो रही है वहाँ पे, तो अभी आज हम सो रहे हैं 5 लोग इसके अंदर। और लोग कर दिए वहाँ से वैनिटी, आपने की थी ना। इधर वाला गेट क्या, उधर वाला थोड़ी क्या। मैंने यार मैं ये चीज सोच रही हूँ, अगर रात को कोई आ गया तो सूरज भी ध्यान रखना यार, आने वाला तो शीशा तोड़ के भी आ जाएगा। बोलो वैसे तुम आपको कुछ है ही नहीं लेके जाने के लिए। कल लठ रख लेंगे बढ़िया सारे, रख लेंगे हम मिर्ची स्प्रे और फिर बियर प्रोटेक्शन के लिए रखेंगे, क्योंकि हम ना कहीं पे भी जा सकते हैं ना, तो हम थोड़ा सा सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है ना। तेरे को लोग नहीं करना आता क्या लक्ष्य? कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेना। 22 ने ना खून भी रखा, बार बार बात बोलनी थी नींद नहीं आ रही, तो होटल में रूम में जाके सो जा फिर। नहीं तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आने वाले व्लॉग्स ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग ना हमारी कैरा वैन के अंदर ना बहुत कुछ करने वाले, खुद ही कुकिंग करेंगे और ठंडी ठंडी जगहों पे जाएंगे, पूरा इंडिया करेंगे एक्सप्लोर, सब शहर में जाकर उनकी स्पेशल चीजें दिखाएंगे। तू ना उधर सोचा, क्योंकि ना तू ना बहुत पैर फैला के सोचा। मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, ये वाली ज्यादा अंधेरा हो जाए। हो रखे नीचे है ना लाइट, देखो लाइट जल्दी नीचे। हाँ। और नीचे की एक लाइट जला लियो बच्चों। चल अब सो जा बोलो, देखो दिमाग मत खराब। ऑल आउट ड्राइवर मच्छर काट रहे पैर पे, कितना ड्रामे करती है यार भगवान की कसम। सच में मच्छर काट, मैं ना तू घर छोड़ दूंगा। चीकू तेरे को काटा मच्छर? नहीं मेरे को नहीं काटा। घर छोड़ दू, पाल को बुला लू। अगर इतनी दूर अगर मेरे साथ जाओगे फिर वहाँ पे बोलोगे घर छोड़ दू तुझे। और क्या छोड़ दूंगा, इतनी ड्रामे कर रही है। मच्छर है ना? एक भी नहीं है भाई, झूठ बोल रहे आप। सुन लिया, आप सबका खून है खट्टा, गंदा खून है आप सबका, मेरा खून है मीठा। ऐसे नहीं बोलना। लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद कर दो। एक आधी तो जला दे, तू भी तंग कर रहा है, ऊपर से ये भी तंग कर रही है, कभी भूत का नाम ले रही है, कभी कुछ कर रही है। डॉगी भौंक रही है बाहर। यार मत करना भाई, सो जा ना। ठीक है चल। फाइनली हमने थोड़ी सी लाइट यहाँ की जला दी है और सारी लाइटें बंद कर दी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और भाई रात को नींद बहुत ही बेहतरीन आई, अभी अभी मैंने पर्दा खोला और गुड मॉर्निंग हो गई है। अगर टाइम की बात करें तो 8:30 बज गए हैं। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय पीनी है? पीएंगे, वो चाय बनाएंगे हम खुद से। चलो बनाते हैं। तो भैया चाय बना लेते हैं और बाहर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ कि हम रात को कहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। चीकू को सुन लेते अच्छे से ना। चीकू तो उठेगा 11-12 बजे। ओके चलो हम चलते। तो रात को दूध मैंने यहाँ रख दिया था, वो मैंने इसलिए रखा था कि शीशा ठंडा है और दूध भी खराब नहीं होगा, वैसे हमारे पास फ्रिज भी है। तो गाइस मुझे लगा कि चाय पत्ती है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना चाय पत्ती जैसे लग रहा था बट वो कावा था, चाय पत्ती नहीं थी। फिर मैंने अंदर ढूंढी तो मुझे चाय पत्ती भी मिल गई, साथ में इलायची भी मिल गई। तो अभी मैं रख रही हूँ इनके लिए चाय फटाफट। उझल गई झुल गई झुल गई। हे प्लीज भगवान प्लीज चल गए बनना, एक सेकेंड मतलब मैक सही, कोई नहीं कभी तो बनेगी चाय। तो गाइस जिस स्पीड से हमारी गैस चल रही है ना, ऐसे लग रहा है चाय रख कर ना अपना सारा घर का काम कर लो, बर्तन झाड़ू पोछा, बाहर जाके खेत वेत का काम कर लो, फिर जब आओगे तब आपको चाय मिलेगी। सुनो चाय तैयार है, पराठे भी तैयार कर ले। पराठे नहीं बन सकते, चाय बहुत स्लो है, सॉरी गैस बहुत स्लो है, आराम 2 मिनट में। तो भैया यहाँ पर तैयारी हो रही है फुल जोरों शोरों से, और साथ चीकू भी उठ गया। चीकू उठ गया ना? हाँ चीकू उठ गया। गुड मॉर्निंग बाबू, थोड़ा पीछे है ना, थोड़ा सा स्पेस की दिखेगी, इधर से दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग चीकू। गुड मॉर्निंग पापा। कैसे लगा? बहुत अच्छी नींद आई। मतलब ऐसा थका तो नहीं बेटी? नहीं। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है रेडी, और ना अभी क्या ना बड़ी मुश्किल से सामान मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा किचन को सेट होने में।
तो गोलू बोल रही थी भाई गैस कम है, आप तेज होगी। अरे बहुत तेज होगी, इतनी तेज होगी कि मेरा हाथ जल गया। समझ आ गई, सिलेंडर में दिक्कत ही, सिलेंडर खत्म होने वाला होगा। तो गाइस ये वाला टेबल मैंने खोल लिया है, अब मैं यहीं पे खाना वाना खाऊंगा। सिंपल चीजें करनी पड़ेगी, जैसे पपीता ले लिया बड़ा, सेब ले लिया, सुबह सुबह पपीता सेब काटा, सब इकट्ठे खा लो बस। और क्या, तो अभी मैंने चीकू को समझाया, मैंने कहा बेटा आप कोई चौंचले नहीं होंगे, जो खाने को मिलेगा वही खाना पड़ेगा, ठीक है बेटा? चाहे खिचड़ी हो चाहे दलिया हो, जो मिले खा लो, क्योंकि अब हमको होगा सिर्फ खाना। थोड़ा ना लॉन्ग ड्राइव जाना है ना, और टूर काफी दिन का बेटी, ठीक है ना? ऑल इंडिया टूर का मतलब ऑल इंडिया टूर होता है बेटा, हमें रोड नहीं नापना, हमें हर सिटी जाना है और सिटी जाके कल्चर और हमारे जो इंडिया का कल्चर उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मजेदार सा ऑमलेट आ गया। चीकू मुंह में पानी आ रहा है? मुझे आ रहा है मुंह। भैया कह रहे हैं केचप लेके आए, मैंने केचप वेचप नहीं लेकर आया, कुछ पता नहीं था। तो भैया चाय यहीं से ट्रांसफर हो रही है। मजा आ गया खाना खा के, सिंपल खाना अपना ना, फ्रूट्स पे, मूसली पे, ओट्स पे, दलिया पे रहेंगे, साफ भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, पेट खराब भी नहीं होगा। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि आप हमारा ना हर एक व्लॉग देखो, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, क्योंकि ना व्लॉग थोड़े से बड़े हो सकते हैं बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे। हर एक चीज हम शेयर करेंगे कि ट्रिप पे हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरा नाश्ता हो गया, किचन क्लीन कर देती हूँ। विम बार तो घर से ले आई थी, अब इसके साथ जो जूना होता ना वो नहीं लेकर आया, मैं सोच रही हूँ बर्तन कैसे साफ करूँ। अगर एक बात बताओ, अगर हम पहले के टाइम में होते तो हम बर्तन कैसे साफ करते? बाहर आके करते मेरे ख्याल से, तो कैसे करते? मिट्टी से भी हो जाते। हाँ मिट्टी से भी हो जाते, या हम घास लेते, घास से भी हो जाते। हाँ घास लेके आती हूँ। तो गाइस इससे ज्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं हो सकता, अगर हमें यहाँ पे रहना है ना इसको यही खाएंगे, क्योंकि देखो खाना कहीं मिल जाएगा, खीरा टमाटर ब्रेड कहीं पे मिल जाती है। तो गाइस हम कभी भी कूड़ा फैलाते हैं ना तो वो हमारी जिम्मेदारी है साफ करने के लिए, क्योंकि मैंने पायल को ना जो जो यहाँ पे कमी थी ना वो सारा सामान बोल दिया। हमारे पास डस्टबिन की पनिया नहीं है, तो मैंने वो भी मंगवा दी है, डस्ट पैन भी मंगवा दिया, झाड़ू भी मंगवा दिया, ताकि हम कहीं पर भी रुके ना तो गंदगी ना फैलाए। निक्की उठा ले बेटा सारे यहाँ से, निक्की ऐसे रेडी हो रहे जैसे क्लब में जा रहे हैं। वो ऐसे है ना बस, बनती है अपने आप को हीरोइन है नहीं मेरे लिए तो है। तो इनकी एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या अबे वो गोदी नहीं उठा पाए आप? ऐसे हो गए थे यार चीकू, यार इतना वेट बढ़ा रखा मम्मी ने। अब अभी बताए को तो उठा बेटा, रुक जा यार, रुक जा, उठाता हूं सबको, उठाता हूं। चीकू बेहतरीन सा सैंडविच बन गया बेटा, खा ले, चलो खाओ। अब यही खाना आपको, चटपटी चीजें नहीं खानी, ठीक है? ठीक है बाबा। खाओ इसको और बताओ कैसा है। बेटा और बना दूंगा। तो गाइस हमारा व्लॉग आ चुका है मलिक व्लॉग्स पे, और हम लोगों ने टाइमिंग कर ली है दोबारा से सुबह के 10 बजे तक। क्या हो गया तो तेरा दिमाग खराब है तो बोलो यार, जब भी करो वेट कम कर ले बेटा थोड़ा सा। मुझे कल से इतनी चोट लगी जा रही है बार बार। यहाँ देख कांच से बोलो, ये देख कांच लगा था। हाँ मेरे सर बहुत तेज लगी। नहीं यार मैं ये सब नेल एक्सटेंशन भी हटाऊंगी, मेरे को बड़ी तेज हाथ मुड़ा है। मना करता हूँ ना तेरे को, ये अभी देखना हाथ को, हमेशा मना करता हूँ ये नाखून मत लगवाया करो, बाल कलर मत करवाया करो। हैं हाँ बोलते हो मना, लग गई तो लग गई, क्या करूँ भाई, उठाना। तो नेक्स्ट टाइम ना ट्रिप पर ना स्पोर्ट्स वाले जूते भी रखूंगी, इन्होंने मुझे कहा था निकलते हुए, बोलू ये जो तू जूते रख रही ना स्टाइल वाले, इसको घर पे रख दे, रफ एंड टफ जूते रख। तब नहीं सुनती मैंने, अब सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो शूज भी लेकर आऊंगी। तो गाइज यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ सारा सामान लेके, क्योंकि मुझे पता लग गया था बहुत सारी चीजों की कमी थी। मुझे गोलू ने कॉल कर दिया था कि पायल ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैं सारी चीजों का इंतजाम अकेले करके आई हूँ, अपने छोटे छोटे कंधों पे इतना बोझ लेके आई हूँ, तो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ना मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि हमें प्रोटीन पीनी है, तो प्रोटीन के लिए यहाँ पे मिक्सी विक्सी अभी है नहीं, तो ये हैंड वाला वो है ब्लेंडर, इसको ना हम पावर उससे चार्ज कर सकते हैं। मैं सभी लोगों के लिए नाश्ते के लिए लाई हूँ रोस्टेड सेवैया, चीकू के टोपी, इनकी टोपी, मेरी बालों की मेडिसिन, मेरे बालों का शैम्पू, चप्पलें नहीं थी चीकू के पास, मैंने अपने जिम वाले जूते रखे हैं। किचन का थोड़ा सॉसेज वगैरह रखे, मैंने सारा ड्राई फ्रूट, पंजीरी ये सब लेके आई हूँ। चीकू के पापा पास चप्पल नहीं थी, तो ये उनकी चप्पल लेके आई हूँ। ये सारा मैं घर का राशन लेके आई हूँ। अभी सिलेंडर लेके आई कुकिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे जिनमें अरमान जी और गोलू को ना आप लोग बोल रहे हो कि हमेशा ऐसे करते हैं, बेचारी पायल को छोड़ देते हैं, ये है वो है। तो मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ, और मैं यहाँ से जो है गोलू सो रही है अंदर, उसे धक्के मार के भगा देती हूँ। तो चलो मेरे साथ उसको उठाते और भगाते हैं यहाँ से, क्योंकि शायद आप लोग यही देखना चाहते हो। तो कम है गोलू, हे गोलू के खड़ी हो, कब आई तू, कितना सो रही है तू घर पे, मैं बच्चे संभाल रही, तू यहाँ ऐसी कर रही है, तू कब आई, चल निकल यहाँ से, घर पहुँच। मैं आ गई जब मेरे को आना था, घर पहुँच, चल निकल। लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं कि इसको घर पे रहना चाहिए, ये घूम रही है, बोल रहे ना मुझे, मैं सो गई थी। हम लोग रात को 3 बजे सोए थे, क्योंकि नई जगह थी ना, और 8 बजे ना धूप आ गई थी, तो चीकू के पापा ने उठा दिया था कि उठ जाओ उठ जाओ। फिर हमने कहा चलो नाश्ता बनाते, फिर हम दूध लेके आए, बड़ी मुश्किल से चाय पत्ती चीनी का जुगाड़ किया, रेड ऑमलेट बनाया, खाना बनाया, उसके बाद साफ सफाई करने के बाद मैं अभी सोई थी थोड़ी देर पहले। साफ सफाई कर दी तुम? और क्या, वाह वाह गोलू वाह, सफाई देखो इसकी, बस एक ही ड्रॉअर नहीं साफ करा, एक ड्रॉअर साफ नहीं किया, ये देखो सफाई है, ये देखो खुले हुए बिस्किट ये डब्बे में डाल के रखने जाएगा, सी लेना ऐसे करूँगा।
कोई नहीं बेटा, चल तू कर लियो, जाती हूं। ठीक है, हां घर जाओ, मैं संभाल लूंगी। जूते ले जाओ आपके महंगे वाले। ठीक है तो भैया हमारी महारानी पहुंच रह गई, निकल यहां से, चल जा रही हूं, चल भाग यहां से, बड़ी आई यहां पे सोने वाली, चल। इसको भगाएगी तूने? मेरी मर्जी। अच्छा, दिस इज माय चॉइस। अंदर जाके आराम से बैठ के सो रही है, इसको यहां पे काम के लिए भेजा था मैंने। है भाई, मेरी फोटो भी है देखो यहां पे, मेरे को भगाएगी तब भी यही रहूंगी। तू चल, चल घर जा बच्चों के पास, चल चल बाय, ध्यान रखना, बाय। ठीक है, बाय बाय। तो गाइज यहां से गोलू का सफर हो रहा है खत्म और मेरा सफर हो रहा है स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट थे, शायद आप यही देखना चाहते थे, तो मैंने दिखा दिया आपको। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम जैद को छोड़ रहे हैं, मुझे पता है उसकी तबीयत खराब हुई, और उसकी ना खुश नसीबी है कि उसकी एक नहीं दो माँ है, तो अक्सर ऐसा हुआ करेगा अगर कोई बच्चा की तबीयत खराब होगी ना, तो दोनों में से एक माँ को घर पे रहना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ से हमने तैयारी पकड़ लिया भैया, अभी हम जहाँ जाने वाले, पायल हम कहाँ जाने वाले? हम जाने वाले हैं कसौली। तो गाइज मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ घर से, क्योंकि देखो अब जो आपको देखना है सारा ब्लॉग वो यही दिखेगा कि हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या लिया, क्या दिया। तो मैं घर से जो है आधी तैयारी करके आई हूँ, बाहर से हमने कुछ नहीं। तो गाइज अपनी जैकेट टांग देते हैं यहाँ पे, और पायल ने आते ही खोला खाली शुरू कर दिया, पता नहीं क्या कर रही है। खोला खाली नहीं कर रही हूँ, और जो सामान लाई वो सेट कर रही हूँ, ताकि वो रुकेगी तब कर लियो ना, जब वहाँ पहुंचेंगे आराम से करती रही हो, पूरी रात तेरे पास ही है। ठीक है फिर छोड़ दो, है ना जी को? हाँ जी। तो गाइज फिलहाल हमारी ड्राइव का जो है शुभारंभ हो चुका है, गाड़ी चल चुकी है और यहाँ पे हम लोग पधार चुके हैं सोने के लिए, तो सोते हैं और उसके बाद मिलते हैं चंद के बाद। तो गाइज हमारी पहली मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी यहीं पे रोकेंगे आज, क्योंकि ढूंढ वगैरह ज्यादा है ना, तो बस अब निकलते हैं और कुछ पहले बना लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। तो भाई अभी रुके हैं, हमारे भाई का होटल है बहुत ही बेहतरीन, तो आज हम यहीं रुकने वाले हैं, थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है धुंध हो जाएगी, पर कल निकलेंगे यहाँ से फिर शिमला के लिए। तो भाई ये यहाँ की परंपरा है, जो भी इनके गेस्ट आते हैं उनको बहुत सम्मानित करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये यहाँ की कश्मीरी टोपी है, पाचली टोपी है, तो हम इसको पहने के ये डाल रखा भी मैम, वो बना देंगे चिको रूजा इसमें, ये लो, ये थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हिमाचली बन गए भैया आज से, मैंने तो टोपी निकाल दी अपनी, किसी के लिए जरूरी है। तो आते ही गाइज मैंने सबसे पहले यहाँ पहुँचते है ना, मैंने सोचा कि पहले सारे सामान को ना अच्छे से ड्रॉर्स में सेट करती हूँ, क्योंकि अगर ड्रॉर में सेट नहीं करेंगे ना तो हमें मिलेगा नहीं, जब टाइम पे कुछ चाहिए होगा ना ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या अभी भी है, कितना मोटा है, इतना बड़ा है, ओए बंद कर दो, मुंह पे घुस जाएगा। तो नु डर लगता पे नहीं भाभी जी, तू विच हाथ कट के मार के बड़े के छोटे तो संदे, ठीक है जे दंडी वड्डी फेरी, दंडी वड्डी नहीं वंडी, वो गुड बॉयज, वो गुड गर्ल, हां वैक्सीनेटेड है, ठीक है भाभी, अच्छा मतलब विच ऐसे करके अंदर हाथ फड्डी उनो चड्डी बाहर फड्डी और बाहर कड्डी रास्ते से चड्डी विच विच आराम से कड्डी, ठीक है कुतर फेंक दे से औरत आदमी कह गई, आदमी थोड़ी ये क्या है, तू कहा गया, तू कहा गया, क्या हो गया, तू मेरा अटैक लाके रखेगी मुझे लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले ना मैं रात को सोने के लिए इनके ना लोवर्स वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार हम लगेज खोल नहीं सकते, तो जो चीज इनको चाहिए ना मैं उसको ऊपर रख रही हूँ और जो चीज नहीं चाहिए वो नीचे रख रही हूँ। तो मैंने सारी सेटिंग कर दी है, सेटिंग आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि लग रही है भैया वगैरह को बहुत भूख, वो कह रहे पहले खाने का इंतजाम कर लो उसके बाद जो भी करना करना। तो मैं फिलहाल ये सब्जी कुछ वगैरह ले लिए हैं, अभी हम बनाने वाले हैं या तो खिचड़ी बनाएंगे या पुलाव बनाएंगे। तो फिलहाल देखो हमने मेन रोड पे अपनी ना वैन को खड़ा कर दिया है और हमने यहाँ पे लगा दिया दो टेबल, सब्जियां सारी ले आई हूँ, लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हमारे पास सारा जुगाड़ है। तो भाई यहाँ पे है ठंड बहुत ज्यादा और मैंने जो है गर्म कपड़े नहीं पहने हुए हैं, मैंने वहाँ के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक हुडी पहनी थी और ये बनी थी। अभी मेरा जो आधा सामान ऊपर है तो मैं चीकू को ऊपर चढ़ाया, वैसे से ये लेटर मैंने आपको कल दिखाई थी, मैंने बोला था किस काम आएगी आपको बाद में पता लगेगी, तो ये इस काम के लिए। भाई नीचे आ जा भाई, हाथ कोटे तोड़ दूंगी अगर दोबारा चढ़ा दो। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल रख ली अपनी, तो सबसे पहले हम चॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं खिड़की खोलूंगी वहाँ से सारा सामान पकड़ाऊंगी और तो पकड़ता रही हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, ये लो पकड़ते जाओ चूल्हा टूट वाला चॉपिंग बोर्ड पकड़ो। तो गाइस सबसे पहले अपने सारे फ्रूट्स धो लेती हूँ, क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लगी, खाना बनने में तो लगेगा टाइम, तब तक थोड़ा इन लोगों का पेट भर देती हूँ ताकि ये मुझे बोले वाह वाह भाभी वाह, चीकू पापा बोले वाह पायल वाह, ये हुई ना असली बात। भैया ये पकड़ो और ये दूध भी पकड़ना भैया, चल भाई चीकू आ जा। जब पानी का यूज खत्म हो जाता है तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं, फटाक से कटलरी निकाल लेते हैं, कटलरी में है बहुत बड़े बड़े चाकू, ये पिलर,
लाइट की जो है बचत करनी चाहिए गाइस। थोड़ा सा छोटा चाकू ले लेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बड़ा चाकू है, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे खेत के ना सानी काटनी है। अब ये तो मेरे को गोलू ने बता दिया था कि यहाँ पे चाकू नहीं है, तो मैं घर से चॉपर लेके आई। वेरी नाइस, वेरी गुड है गोलू। जिंदगी में बस यही कमाया, इतनी प्यारी बीवी मेरी दो। तो भाई मिस कर रहे हैं गोलू को भी, और बहुत जल्दी मतलब ज्यादा ठीक हो गया गोलू। घर इसलिए छोड़ा कि मैंने बोला तू एक तारीख तक घर रहे, फिर हम घर आएंगे नया साल सब बच्चों के साथ मनाएंगे और फिर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की जा रही, सर्दी को लेके पूरी कैब वैब पूरी सेफ्टी चल रही है। और यहाँ पर पायल प्याज धो रही है। है पायल? हाँ जी। कभी सोचा था तूने रोड के किनारे प्याज धो के अपना खाना वाना बनेगा? कभी नहीं सोचा था। मतलब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा अच्छा लगता रहे हमेशा। जिंदगी है। ये वाला चाकू ले ले, ये प्रोफेशनल चाकू लाया हूं। बाबू मेरा हाथ कट जाएगा, ये तो भैया को दूंगी मैं, तो अच्छे से कटा दूंगी। भाई साहब जोर लगा के, भाई साहब जोर लगा के। पानी छोड़ दे, छोड़ दे, पानी गिर जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो है हमारे साथ वो कर रही है भागीदारी काम में। यहाँ पे प्याजों की कटिंग जो है, भैया इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं ये चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ सिर्फ एक, और सुनो बिना धूले काट रहे हो। नहीं ये साफ था, उसमें धूला उठाया मैंने। ये धूले हुए नहीं, छिला हुआ नहीं थे। सारी चीजें अपने पास, लेकिन मेन जिससे चीजें बनती है कोई नहीं है, बताओ क्या? क्या गैस करो आप लोग भी। वो कमेंट में बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। कितना चल रही है? तो शुक्र है जहाँ पे हमने रोकी है गाड़ी वहाँ पे पास में दुकान मिल गई हमें। अब यहाँ देखते रिफाइन मिलेगा भी। भैया ले लेंगे सरसों का? उधारा दे थोड़ा सा। उधारा थोड़ी देंगे, पागल है क्या? भैया सरसों का तेल कहाँ मिलेगा? कहाँ है वो? ये तो मुझे चिप्स चॉकलेट बिस्किट उत्ते उत्ते ऊपर ड्रॉर च ऐसे कटा टमाटर ऐसे रखा है चक के इथे ले आओ। ठीक है यार, कितने फाइन चॉप हुआ। और ये वाला जो है ना मुझे फ्री में मिला था जब मैं मेट्रो से सामान लेके आई थी ना बहुत सारा, तो ये वाला चॉपर मुझे वहाँ पे गिफ्ट मिला था। हमारे यहाँ सरसों का तेल गर्म हो गया, अब जाएगा इसमें। ये है चीरे वाली मैगी गाइस, आपने कभी खाई है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। यहाँ जाएगा हमारा प्याज चॉप्ड प्याज। अरे मैं कच्ची लेके आई थी, कहाँ गई? सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये जा रहा है टमाटर। आप ये सोच रहे हो कि पहले तड़का बना दिया, मैगी का कुछ किया ही नहीं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, बर्तन छोटे हैं, तो मैंने सोचा तड़का अलग में बनाऊंगी और उसको फिर मिक्स अलग में। नमक डाल दो, टमाटर हो जाएंगे। चलो इसको इसमें निकाल ले, लक्ष्य दूध गर्म कर लेते हैं। अब ये तो थैला खराब हो गया, इसमें एक एक थैला बचा बचा के इसको हम इसमें कूड़ा डाल देंगे ना। दस भी मैं फेंक दी लापता भांडा में, इतने रखा सी भांडा, ये रहा भांडा। अब ये थैला अपने पास है तो इसका यूज तो करना पड़ेगा। मैं सारा कूड़ा जो है ना इकट्ठा कर रही थी इस टोकरी में, मैंने लंबी लंबी डाल दी। लंबी लंबी इसने कह रही हमारे पास चम्मच है खाने में, वो इसके अंदर से पैकेट तो निकाल ले भाई, पैकेट भी डालेगा इसके अंदर। तेरा जल्दी हो रही, रुक जा। तो भाई घर की अगर मैगी खानी है ना तो तुम्हें आधा पौना घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर से मैगी बन रही है और मैगी का अब तक एम भी नहीं बना। उडो इसलिए नहीं मैगी बनी थी क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं था बेटा, बाकी सब तैयारी ना ऑयल। हाँ अभी ये जा रहा है हमारा मैगी मसाला। इतनी टेस्टी मैगी बनेगी ना, ये कहेंगे वाह दीदी वाह क्या मैगी खिलाई, क्योंकि मैं मैगी बहुत कम बनाती हूँ और पहाड़ों में मैगी बनाना एक्सपीरियंस ही बहुत लाजवाब। ठंड में हाथ ही टूट रहे हैं, प्याज धो रहे हैं, टमाटर धो रहे हैं, अभी धनिया रह गया, धनिया धो के काटना है। मैगी रेडी हो गई है, लड़की ने मैगी रेडी कर दिया है। तो बस हम चाहते हैं कि आप कोई भी व्लॉग मिस ना करो, हमारे साथ रहें, पूरा व्लॉग का एंजॉय करें और बताएं क्या क्या चीजें हमें ओवर करनी चाहिए। क्या बात है भाई, 2 मिनट हुए मैगी बनी, बन गई और बच्चे आ गए। वो बच्ची को तो लेके चला गया आपके पास खा रहा है। तो भाई ये चीकू देख लो यहाँ पर अपने मजे कर रहा है। बेटा आप इस साइड बैठो ना, यहाँ से धुआं उठ के आपके मुंह पे आ रहा है ना, आप उस साइड चले जाओ। तो भाई जब भी आप शिमला जाओगे ना आपको पीछे स्काई हिल ढाबा मिलेगा और हमारे भाई का है। देखो मैं खाने के मामले में कोई प्रमोशन नहीं करता, खाना इतना लाजवाब था, जब भी यहाँ से जाओ तो यहाँ जरूर आना, मतलब कमाल। तो मुझे लग रहा है पहले ये वाला ट्रैवल मोटा कर देगा हमें। हाँ ये तो लग रहा है। मैंने आज ये सोचा है कि सिर्फ फ्रूट रखते हैं गाड़ी में और साथ साथ अपना दाल और चावल, और ज्यादा ड्रामे नहीं। वही मैं कर रही हूँ, या तो हम दाल चावल खाएंगे या हम दलिया खाएंगे या फिर हम ओट्स खाएंगे, यही खाएंगे। तो गाइस आप भी थोड़ा सा सजेस्ट करना कि हमें ट्रैवल में ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए प्लीज। तो गाइस फटाफट से मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि उसने ना हाथों में नेल्स लगवा रखी है, तो वो बर्तन वर्तन नहीं कर सकती, मैं इनके बर्तन का सारा काम मैं करती हूँ। तो ये है मेरी फाइनल साफ सफाई किचन की, बाहर का कूड़ा बाहर ही करेंगे
अंदर का जो है वो अंदर क्लीन करेंगे। गाइस मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने बर्तन धो दिए हैं, चॉपिंग के लिए सारा काम कर दिया था, अब मैं बना रही हूँ चटनी। तो अभी बनने वाले हैं पुलाव, क्योंकि पुलाव जो है हमारे पास कुकर नहीं है, ये गलती हमने बहुत बड़ी कर दी। बंद कर ध्यान से करना पड़ेगा, इसे चौड़ बाहर आ जाएंगे तेरे। अच्छा हुआ कि गोलू चली गई है, वो बेचारी नहीं कर पाती। इस बार मेरे को पता लग गया ना, अगली बार वो सारी चीजें मैं कमी पूरी करके फिर जो है ट्रिप के लिए निकलूंगी। मैं इसके लिए कहती हूँ एक टब ले लेते हैं, जो पानी गिरता ना। हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे फिर वो पौधों में डाल दिया। धनिये के विचो घास, ये गया मेरा धनिया विचो विच, इत्थे मेरे टमाटर सी, इत्थे विच ए चार फाड़िया कर दी सी, चार की छे भी होंदी सी, तुहाडी मर्जी सी। टमाटर नहीं खाते, डॉगीज दूध पीते हैं, ब्रेड खाते हैं। ब्रेड दे दो, ब्रेड अंदर से मैं लेके आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा सैलेड का प्लेट जो है वो रेडी हो गया। लक्ष्य मैं अंदर जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ से पहुंच के पड़ा था, मैं इनको सेट कर दूंगी। okay. और बड़ी प्लेट्स निकालूंगी, क्योंकि चावल छोटी छोटी प्लेटें में थोड़ी जाएगा, वो मैं निकाल लेती हूँ। इसके लिए बाउल दूंगी, इसको खाली कर दियो, फिर मैं सारे बर्तन एक साथ धो दूंगी। ओके ए चटनी पा दे, छेती फड़ा, सानू इतना टाइम नहीं है, चीनी नहीं डाली अभी चाय दे, चीनी पानी हले। यहाँ पे हमारे गेस्ट के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, तैयारी में ज्यादा कुछ नहीं है। पुलाव है जो हमने खुद बनाए, चटनी है और साथ में दही है। उनके आने से पहले ये कैंडल लाइट डिनर नहीं है, लाइट वाला डिनर है, लाइट वाला। तो उनके आने से पहले हम बहुत खुश हैं, तो हम लोग करना चाहते हैं थोड़ा सा डांस। हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले 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 प्यारे जादर बाके लो बस ये लो सर ये लो सर। थैंक यू, आपने इस भाग्य समझा हमको। तो गाइस ये चीजें मैं होटल में खा सकता था, पर ये मेरे लिए अनमोल है। अपने पाँव का है? नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ गोलू, श्रीदी कहाँ पहुँचे, क्या क्या टेम्परेचर है? खाना खा रहा हूँ, तेरे को याद कर रहा था, लव यू। मेरी जान है तू, वीडियो कॉल करती हूँ को। तो भाई ये कुदरती देखो, दिल के अट्रैक्शन होते हैं, कॉल आई अभी है ना, तो अभी अंदर जाएंगे सोएंगे। और मैं एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी में अपना अगर कुछ करना है ना, तो अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जिम कर रही हो? जिम कर रही है, फिट हो गई हमसे पहले। वो तो ऑलरेडी फिट है, वो बहुत एक्टिव है। चलो मैं करता हूँ, तेरे को अभी करता हूँ। तो गाइस खाना खाने के बाद जाएंगे हम अपनी वैन में सोने। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो जो गोलू को मिस कर रहे हैं वो गोलू के नाम पे कमेंट भर देना। मैं पायल चीकू लक्ष्य हम अंदर ही सोने वाले हैं, और जो हमारा बाकी स्टाफ है वो होटल के रूम में सोएगा, क्योंकि चार्जिंग भी करनी है, बहुत सारी चीजें। तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला ये वाला एक्सपीरियंस।